हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द स्टडी कॉन्सेप्ट। मध्य प्रदेश की सामान्य ज्ञान की सीरीज में ये स्टैटिक जीके क्वेश्चंस की ये सीरीज है, उसमें ये अगला वीडियो है। यार हर बार की तरह इस बार भी मैं 20 क्वेश्चंस लेके आया हूँ, और इस 20 क्वेश्चंस में जो भी क्वेश्चन इसके साथ में बनेंगे उन सभी क्वेश्चंस के आंसर के साथ में मैं इसको कवर करूँगा। आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए और अपने फेसबुक ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में इसको शेयर कीजिए। तो चलिए मैं इस 20 क्वेश्चंस जो स्टैटिक क्वेश्चंस हैं मध्य प्रदेश के, उसकी ये वीडियो चालू करता हूँ। अगला क्वेश्चन है 81वां क्वेश्चन। इससे पहले मैंने 80 क्वेश्चंस की जो 20 क्वेश्चंस की सीरीज है वो पहले से उसके वीडियो मैं बना चुका हूँ, उसके लिंक आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएंगे, जो कि चार वीडियो हैं 20-20 क्वेश्चंस के। तो उन वीडियो को भी आप पूरा देखें, उसमें भी मध्य प्रदेश के 20 स्टैटिक क्वेश्चंस हैं जो कि मैंने कवर किए हैं, और ये है 81वां क्वेश्चन। आइए इसको लेते हैं। दर्दी और मंदहार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो इसका जो उत्तर है वो सही उत्तर है नर्मदा। ठीक है, नर्मदा नदी पर है दर्दी और मंदहार जलप्रपात। आइए ले लेते हैं कि नर्मदा नदी पर और कौन कौन से जलप्रपात हैं जो कि नर्मदा नदी पर स्थित हैं। तो इसमें धुआंधार जलप्रपात जो कि जबलपुर की भेड़ाघाट पर स्थित है, ठीक है, ये भी नर्मदा नदी के ऊपर है। इसी तरीके से दुग्धधारा जलप्रपात, ये भी नर्मदा नदी के ऊपर है जो कि अनूपपुर ज़िले में है। और इसके बाद में जो अगला जलप्रपात है वो है कपिलधारा जलप्रपात, ये भी नर्मदा नदी के ऊपर है और ये भी अनूपपुर ज़िले में है, ठीक है। और इसी के साथ में सहस्त्रधारा जलप्रपात, ये कहाँ पर है? ये है खरगोन ज़िले में, महेश्वर में है, ये भी नर्मदा नदी के ऊपर है, ठीक है। तो इस तरीके से ये मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी के ऊपर में ये 6 बांध स्थित हैं। कौन कौन से? धुआंधार, दुग्धधारा, मंदहार, दर्दी, कपिलधारा और सहस्त्रधारा जलप्रपात। ये 6 जलप्रपात हैं जो कि नर्मदा नदी के ऊपर स्थित हैं, ठीक है ना। तो अब आई लेते हैं इसी क्वेश्चंस में जो नदियां दी हुई हैं, चंबल नदी दी है, सिंध नदी दी है और टोंस नदी दी है। तो इनमें से किस नदी के ऊपर में कौन कौन से जलप्रपात हैं उसको भी अपन कवर कर लेते हैं इस क्वेश्चन में। तो चंबल नदी पे जो मध्य प्रदेश में बांध स्थित है वो कौन सा बांध स्थित है चंबल नदी पे? झाड़ी दहा जलप्रपात चंबल नदी के ऊपर में है यहाँ पर, ठीक है। इसी तरीके से जो अगली नदी है टोंस नदी, ठीक है ना, टोंस नदी पर कौन सा जलप्रपात है यहाँ पर? यहाँ पर है पूर्वा जलप्रपात टोंस नदी के ऊपर में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 82वां क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है? कितने किलोमीटर में वो मध्य प्रदेश में बहती है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो 1077, ठीक है, 1077 किलोमीटर ये मध्य प्रदेश राज्य में नर्मदा नदी बहती है। और वैसे ये पूरी नदी की जो लंबाई है वो है 1312 किलोमीटर, ठीक है ना, 1312 किलोमीटर ये पूरी नदी बहती है जो कि मध्य प्रदेश और गुजरात राज्य में बहती है। तो इसमें से जो मध्य प्रदेश में बहती है उसकी जो लंबाई है वो है 1077 किलोमीटर, ठीक है। इसी के साथ में अन्य ऑप्शन लेते हैं। अन्य ऑप्शन में कौन सी ऑप्शन है जो कि अपने साथ में बनते हैं, जैसे कि मैं बता चुका हूँ ये 1312 किलोमीटर किसकी है, ये नर्मदा की ही लंबाई है, नर्मदा की लंबाई है जो कि मध्य प्रदेश और गुजरात में दोनों में संयुक्त रूप से बहती है, ये उसकी लंबाई है 1312 किलोमीटर। इसी तरीके से ये 2525 किस नदी की लंबाई है? 2525 ये भारत की गंगा नदी, ठीक है ना, गंगा नदी भारत में जो बहती है ये उसकी लंबाई है, ठीक है ना, कितने किलोमीटर बहती है ये 2525 किलोमीटर गंगा जी बहती हैं भारत में, ठीक है। तो ये दो ऑप्शंस थे जो कि मैंने कवर किए इसमें। आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 83 क्वेश्चंस। ये है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा उमरिया, ठीक है ना, उमरिया जिले में है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। और ये किसके लिए फेमस है? ये है शेर, ठीक है ना, टाइगर रिजर्व है, ये टाइगर का राष्ट्रीय उद्यान है, ये यहाँ पे टाइगर पाए जाते हैं, ठीक है ना। और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा टाइगर बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में ही पाए जाते हैं, ठीक है ना। अब आइए लेते हैं अन्य जो ऑप्शंस हैं वो कौन कौन से हैं, उसमें कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं उसमें, जैसे शिवपुरी है, ठीक है, तो शिवपुरी में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? शिवपुरी में है माधव राष्ट्रीय उद्यान है ये शिवपुरी में। और इसी तरीके से अगला ले लेते हैं पन्ना, ठीक है ना, तो पन्ना में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? पन्ना में है, पन्ना ही नाम से है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। और ये
कहाँ कहाँ पे फैला हुआ है? ये दो जिले में फैला हुआ है। कौन कौन से जो दो जिले हैं इसके? एक तो पन्ना स्वयं है, ठीक है ना, और दूसरा है छतरपुर। छतरपुर जिले में भी ये फैला हुआ है, ठीक है। तो दो जिले में ये फैला हुआ है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। इसी तरीके से छिंदवाड़ा में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? छिंदवाड़ा में है पैंच राष्ट्रीय उद्यान, पैंच राष्ट्रीय उद्यान। और ये छिंदवाड़ा और सिवनी, ठीक है ना, छिंदवाड़ा और सिवनी दो जिले में ये फैला हुआ है। इसी की तरह, इसी के साथ में इसमें एक ऑप्शन और एक क्वेश्चन और बनता है, ये दो राज्यों में फैला हुआ है। दो राज्य कौन कौन से? मध्य प्रदेश के साथ साथ ये महाराष्ट्र में भी ये फैला हुआ है, ठीक है ना। और ये एक ऐसा उद्यान है पूरे भारतवर्ष में कि दो जो कि दो राज्यों में फैला हुआ है, महाराष्ट्र में और मध्य प्रदेश में। इसमें मध्य प्रदेश में इसका 90% हिस्सा है और महाराष्ट्र में 10% हिस्सा जाता है। तो टोटल 100% महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में फैला हुआ है, जो कि है पेंच राष्ट्रीय उद्यान। भारत का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जो कि दो राज्यों में है। अगला क्वेश्चन है 84वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा खनिज जो कि सिर्फ मध्य प्रदेश में पाया जाता है, सिर्फ मध्य प्रदेश में पाया जाता है, वो कौन सा खनिज है इसमें से? तो इसका उत्तर हो जाएगा बा स्लेट, ठीक है ना, स्लेट खनिज है। इन ऑप्शन में जो दिया हुआ है इसमें सही उत्तर होगा स्लेट। स्लेट जो खनिज है जो मध्य प्रदेश में ही पाया जाता है, पूरे मतलब मध्य प्रदेश में, भारतवर्ष में ये खनिज सिर्फ मध्य प्रदेश में ही पाया जाता है। इसके अलावा एक खनिज और है जो कि मध्य प्रदेश में पाया जाता है, वो है हीरा, ठीक है ना। हीरे की खदानें सिर्फ मध्य प्रदेश में ही हैं जो कि पन्ना जिले में है, ठीक है। तो ये दोनों जो खनिज हैं मध्य प्रदेश के, स्लेट और हीरा, ये सिर्फ मध्य प्रदेश में ही पाए जाते हैं पूरे भारतवर्ष में। आइए अब अगले जो ऑप्शन है उसके बारे में जानकारी लेते हैं। तांबा, तांबा भी मध्य प्रदेश में पाया जाता है। और ये मध्य प्रदेश में कहाँ पाया जाता है? ये मध्य प्रदेश में मलाज खंड, कहाँ? मलाज खंड की जो खाने हैं, मलाज खंड की खान में तांबा पाया जाता है, ठीक है। और ये मलाजखंड कहाँ पर है? ये मलाजखंड है बालाघाट में, बालाघाट में मलाजखंड जगह है, वहाँ पर ये तांबा पाया जाता है। और यहाँ पर कितना तांबा पाया गया है? तांबा यहाँ पर 170 मीटर लंबी और 20 मीटर चौड़ी एक पट्टी प्राप्त हुई है, जिसमें कि 193 मैट्रिक टन तांबा की ये पट्टी मिली है अपने को, ठीक है ना। कहाँ पर? मलाजखंड बालाघाट में, ठीक है ना। और इसी तरीके से लोहा ले लेते हैं। लोहा कहाँ मिलता है? लोहा मिलता है अपने मध्य प्रदेश में, झाबुआ, बालाघाट, ठीक है ना, जबलपुर, इन क्षेत्रों में ये लोहा पाया जाता है। इसी तरीके से मैग्नीज के उत्पादन में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है, ठीक है ना, प्रथम स्थान है मध्य प्रदेश का। और सबसे ज़्यादा अधिक मैग्नीज मध्य प्रदेश में ही पाया जाता है। पूरे भारतवर्ष में सिर्फ 50% मैग्नीज मध्य प्रदेश में ही पाया जाता है, ठीक है ना, अपने प्रदेश में, मध्य प्रदेश में 50% मैग्नीज पूरे भारतवर्ष का जो है वो प्रदेश में ही, मध्य प्रदेश में पाया जाता है। तो मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है मैग्नीज के भंडार में, मैग्नीज अयस्क में। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 85वां क्वेश्चन, अंगूर अनुसंधान केंद्र प्रदेश के किस जिले में स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम में आ चुका है, आप इसको बिल्कुल याद, जितने भी मैं क्वेश्चन वैसे बता रहा हूँ सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ मैं बता रहा हूँ, आप सभी को बिल्कुल अच्छे तरीके से याद कर लीजिए, बार बार दोहराइए इनको, और इन क्वेश्चन को बिल्कुल मान लीजिए कि इंपॉर्टेंट हैं ये पूरे। तो ये क्वेश्चन है, ये है अंगूर अनुसंधान केंद्र प्रदेश के किस जिले में है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आ रतलाम, ठीक है ना, प्रदेश के रतलाम जिले में अनुसंधान या अंगूर अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जा रहा है, ठीक है ना। और इसी तरीके से अगले अन्य जो ऑप्शन है उनके बारे में भी मैं जानकारी दे देता हूँ। खरगोन में क्या है? खरगोन में है नीम खली संयंत्र, ठीक है ना, नीम से जो खली बनाई जाती है, ठीक है, नीम खली संयंत्र कहाँ पर है? खरगोन में। इसी तरीके से इंदौर में क्या है? इंदौर में है डीजल इंजन का कारखाना, ठीक है ना, डीजल इंजन कारखाना कहाँ पर है? इंदौर में है, ठीक है। तो मैं अन्य फैक्ट भी कवर कर रहा हूँ साथ साथ, जो जो क्वेश्चन मेरे को सामने आ रहे हैं। इसी तरीके से बीना में क्या है? बीना में है कीटनाशक जो दवाई होती हैं वो उसका बनाने का कारखाना है बीना में स्थित है, ठीक है ना, कीटनाशक दवाइयों का कारखाना
जो कि बीना में स्थित है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 86वां क्वेश्चन, प्रदेश का एकमात्र घड़ी कारखाना, घड़ी बनाने का कारखाना किस जिले में स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बा बैतूल, ठीक है ना, बैतूल जिले में है घड़ी बनाने का कारखाना, ठीक है ना। आइए अब अगले ऑप्शन की ओर चलते हैं, जो इंदौर है, तो इंदौर का मैं बता चुका हूँ, इंदौर में क्या है, इंदौर में मैंने बता चुका हूँ कि डीजल इंजन बनाने का कारखाना, जो कि पिछले ऑप्शन में मैं ले चुका हूँ, और इसी के साथ में ये मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी भी कहते हैं इसको, ठीक है। और इसी तरीके से महू में क्या है, महू में है छाता, छाता उद्योग यहीं पे स्थापित किया गया है, छाता बनाने के कारखाने यहीं पे हैं, ठीक है ना। और इसी तरीके से जबलपुर में क्या है, जबलपुर में मध्य प्रदेश का प्रथम रत्न परिष्करण करना, ठीक है ना, रत्न को परिष्कृत किया जाता है, जो हीरे जवाहरात होते हैं उनको परिष्कृत करने का केंद्र जबलपुर में ही खोला गया था, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 87 क्वेश्चन, भारत का डेट्रॉइट प्रदेश के किस क्षेत्र को कहा जाता है? मध्य प्रदेश में वह कौन सा क्षेत्र है जो कि भारत का डेट्रॉइट कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बा पीथमपुर, पीथमपुर को मध्य भारत का डेट्रॉइट कहा जाता है। और ये कहाँ पर है, ये है इंदौर में, ठीक है ना, इंदौर में है, इंदौर के पास में जो महू है, महू से लगा हुआ ये पीथमपुर जिला है, और ये कहाँ पर है, इंदौर संभाग के धार जिले में है ये, ठीक है ना, धार जिले में है ये पीथमपुर, ठीक है ना। और इसे भारत का डेट्रॉइट कहा जाता है, यहाँ पर टू व्हीलर और फोर व्हीलर्स बनाने के कारखाने स्थापित किए गए हैं, इस कारण से इसको भारत का डेट्रॉइट कहा जाता है और ये विश्वभर में प्रसिद्ध है। आइए अब अन्य ऑप्शन ले लेते हैं, अन्य ऑप्शन कौन कौन से हैं, मालनपुर, ठीक है ना, ये मालनपुर है, मालनपुर भी औद्योगिक क्षेत्र में आता है, और पीलूखड़ी भी औद्योगिक क्षेत्र में आता है, ये भी यहाँ पर भी औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किए गए हैं, और इस तरीके से मनेरी भी औद्योगिक क्षेत्र है यहाँ पे, कि केंद्र सरकार ने यहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र के लिए इसको आवंटित किया हुआ है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 88वां क्वेश्चन, प्रदेश का पहला विशेष आर्थिक जोन कहाँ स्थापित किया गया? मध्य प्रदेश में पहला विशेष आर्थिक जोन कहाँ स्थापित किया गया? तो इसका उत्तर है द इंदौर, इंदौर में मध्य प्रदेश का पहला विशेष आर्थिक जोन स्थापित किया गया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 89 क्वेश्चन, ये है एशिया का प्रथम फिजिकल एजुकेशन कॉलेज कहाँ खोल, किस जिले में खोला गया, ठीक है ना, किस जिले में स्थित है, किसका, एशिया का, ठीक है ना, भारत का तो है ही है, साथ में ये एशिया का भी है और प्रदेश का, ठीक है। तो एशिया का प्रथम फिजिकल एजुकेशन कॉलेज किस जिले में खोला गया प्रदेश के? तो इसका उत्तर हो जाएगा आ ग्वालियर, ग्वालियर जिले में फिजिकल एजुकेशन कॉलेज खोला गया। इसी तरह साथ में अपन अन्य ऑप्शन ले लेते हैं, भोपाल, ठीक है ना, भोपाल में गांधी मेडिकल कॉलेज कहाँ स्थित है, भोपाल में स्थित है। इसी तरीके से इंदौर में क्या है, इंदौर में कैंसर, ठीक है ना, कैंसर अनुसंधान केंद्र इंदौर में ही स्थित है, जो कि प्रदेश का एकमात्र कैंसर अनुसंधान केंद्र है, ठीक है ना। आइए अब अगले ऑप्शन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो क्या है, अगला क्वेश्चन है 90वां क्वेश्चन, प्रदेश का सबसे पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? प्रदेश में सबसे पहले कौन सा विश्वविद्यालय खोला गया, ठीक है ना, यूनिवर्सिटी, कौन सी यूनिवर्सिटी जो प्रदेश में सबसे पहले स्थापित की गई? तो इसका उत्तर हो जाएगा सा डॉक्टर हरि सिंह गौर, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय प्रदेश में सबसे पहला विश्वविद्यालय है, जो कि सन 1946 में प्रदेश में खोला गया था, ठीक है ना। और ये कहाँ पर है, ये है सागर जिले में। इसी तरीके से अन्य ऑप्शन ले लेते हैं, देवी अल्लया यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, देवी अल्लया यूनिवर्सिटी ये है इंदौर में, ठीक है ना, ये कहाँ पर है, ये इंदौर में है। और इसी तरीके से विक्रम यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, विक्रम यूनिवर्सिटी है उज्जैन में, उज्जैन में है ये विक्रम यूनिवर्सिटी। और रानी दुर्गा यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, ये है जबलपुर में, जबलपुर में है ये यूनिवर्सिटी। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 91 का क्वेश्चन, अभय खेल प्रसार कहाँ स्थित है, किस जिले में स्थित है प्रदेश के? तो इसका उत्तर हो जाएगा दा, ठीक है ना, इंदौर, इंदौर में है अभय खेल प्रसार, जो कि इंदौर में स्थित है, ठीक है ना। इस तरीके से अन्य ऑप्शन ले लेते हैं, अन्य ऑप्शन में कौन सा, भोपाल, भोपाल में कौन सा स्टेडियम है, भोपाल में है हॉकी स्टेडियम, ठीक है ना, हॉकी स्टेडियम भोपाल में है। इसी तरीके से तात्या टोपे स्टेडियम भी भोपाल में है। और ग्वालियर को ले लेते हैं, तो ग्वालियर में कौन सा है, ग्वालियर में है जीवाजी रूप सिंह क्रिकेट स्टेडियम, रूप सिंह क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है, ये ग्वालियर में स्थित है।
आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं। 92वां क्वेश्चन क्या है, महिला हॉकी एकेडमी प्रदेश में कहाँ स्थित है? महिला हॉकी एकेडमी तो ये कहाँ पर है? इसका उत्तर हो जाएगा ग्वालियर, ठीक है ना, ग्वालियर में है महिला हॉकी एकेडमी, ठीक है। इसी तरीके से उज्जैन में कौन सी एकेडमी है? उज्जैन में है मलखम और जिमनास्टिक, ठीक है ना, ये उज्जैन में है, ठीक है ना। उज्जैन में कौन सी है? मलखम और जिमनास्टिक एकेडमी कहाँ पर है? उज्जैन में है। इसी तरीके से इंदौर में क्या है? इंदौर में है दो एकेडमी है, टेबल टेनिस और बैडमिंटन एकेडमी इंदौर में स्थापित की गई है, ठीक है ना। टेबल टेनिस और बैडमिंटन एकेडमी कहाँ पर है? ये है इंदौर में। और उज्जैन में कौन सी है? उज्जैन में मलखम और जिमनास्टिक, ठीक है ना, ये दोनों एकेडमी कहाँ पर है? उज्जैन में स्थित है। अगला क्वेश्चन है 93वां क्वेश्चन, कालिदास अकादमी प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सा, उज्जैन। उज्जैन में है कालिदास अकादमी, ठीक है ना, ये संगीत की अकादमी है, ठीक है ना। यहाँ पे कवि कालिदास जी के नाम पर ये अकादमी खोली गई है और कवि कालिदास जी के इतिहास के रूप में, इतिहास में साक्ष्य है कि कवि कालिदास जी का जो जन्म स्थान है, जन्म नगरी है, वो उज्जैन ही थी, और इस कारण से यहाँ पर अकादमी का भी यहीं पे स्थापना की गई। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, परधोनी नृत्य किस जनजाति का नृत्य है? कौन सी जनजाति इस नृत्य को करती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सा, बेगा, ठीक है ना। बेगा जाति के जो लोग हैं वो परधोनी नृत्य को करते हैं। इसी के साथ में अन्य ऑप्शन लेते हैं। अन्य ऑप्शन में भील जनजाति का कौन सा नृत्य है? भील जनजाति का है भगोरिया नृत्य भील जनजाति का है, ठीक है। और कुरकू जाति का कौन सा नृत्य है? कुरकू जाति का जो नृत्य है वो है चटकोरा नृत्य कुरकू जाति का। इसी तरीके से गौंड जाति का नृत्य कौन सा है, ठीक है ना, गौंड जाति का नृत्य है रीना नृत्य। कौन सा? रीना नृत्य, रीना नाम से है ये नृत्य, ठीक है। ये नृत्य गौंड जाति की, गौंड और बेगा जाति भी इस नृत्य को करती है और गौंड जाति भी करती है, दोनों करती हैं रीना नृत्य, बट परधोनी सिर्फ बेगा ही करती है, ठीक है। तो दोस्तों ये सब जितने भी मैं नृत्यों के बारे में बता रहा हूँ साथ में ऑप्शन में, ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप बिल्कुल इनको रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, और बार बार जब दोहराएंगे नहीं, जब तक ये याद नहीं होंगे। जितने बार आप दोहराएंगे ये आपके दिमाग में, आपके मस्तिष्क में बैठ जाएंगे और एग्ज़ाम में आपको आसानी होगी। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 95वां क्वेश्चन, वो है आदमगढ़ की गुफाएं प्रदेश के किस जिले में स्थित हैं? आदमगढ़ की गुफाएं, गुफाओं के बारे में क्वेश्चन मध्य प्रदेश के एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप बिल्कुल गुफाएं सारे रट लीजिएगा। तो इसमें जो आंसर रहेगा आदमगढ़ की गुफाएं वो कहाँ पर हैं, वो है होशंगाबाद ज़िले में, ठीक है ना, होशंगाबाद ज़िले में है। बा इसका आंसर सही होगा, होशंगाबाद ज़िले में है आदमगढ़ की गुफाएं। आइए अन्य ऑप्शन के बारे में ले लेते हैं। अन्य विदिशा में कौन सी गुफा है? विदिशा में है उदयगिरी की गुफाएं कहाँ पर हैं? विदिशा में है, ठीक है। इसी के साथ में ग्वालियर में कौन सी गुफाएं हैं? ग्वालियर में है बिलवा की गुफाएं, ठीक है ना। कौन सी गुफाएं हैं? बिलोवा की गुफाएं, ठीक है, बिलोवा की गुफाएं जो कि ग्वालियर में। इसी तरीके से ओंकारेश्वर में कौन सी गुफाएं हैं? ओंकारेश्वर में है शंकराचार्य, ठीक है ना, शंकराचार्य जी की गुफाएं जो कि ओंकारेश्वर में है। ओंकारेश्वर कहाँ पर है? ये है खंडवा ज़िले में है ओंकारेश्वर, ठीक है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन कवर हुआ, अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, खरबूजा महल प्रदेश के किस ज़िले में स्थित है? खरबूजा महल एग्ज़ाम में आते हैं, जितने भी महल हैं उन सभी महलों के बारे में आपको बिल्कुल रट लेना है, बार बार दोहराना है, रट जाएंगे ये। तो इसका जो आंसर रहेगा खरबूजा महल ये किस ज़िले में स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा धार जिला, ठीक है ना। दा इसका सही आंसर होगा, धार जिले में है ये खरबूजा महल। इसी के साथ में अन्य ऑप्शन लेते हैं। चंदेरी में कौन सा महल है? चंदेरी में है नौखंडा महल चंदेरी में है। इसी के साथ में दतिया में कौन सा महल है? दतिया में है सतखंडा महल, वो चंदेरी में है। और रायसेन में कौन सा महल है? रायसेन में है बादल महल, और बादल महल के नाम से
एक महल ग्वालियर में भी है, ठीक है ना, ग्वालियर ज़िले में भी है, जो कि बादल महल के नाम से है। तो रायसेन में और ग्वालियर में दोनों में है बादल महल, और चंदेरी महल नौखंडा, चंदेरी में नौखंडा महल है और दतिया में सतखंडा महल है। तो ये क्वेश्चन कवर हुआ पूरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 97वां क्वेश्चन, 97th क्वेश्चन क्या है, तात्या टोपे की समाधि किस जिले में स्थित है, तात्या टोपे की समाधि किस जिले में स्थित है। तो इसका उत्तर हो जाएगा शिवपुरी जिले में, शिवपुरी जिले में है तात्या टोपे जी की समाधि, ठीक है ना। इसी के साथ में अन्य ऑप्शन ले लेते हैं। ग्वालियर में किस की समाधि है, ग्वालियर में है झांसी की रानी, ठीक है ना, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जी की समाधि ग्वालियर जिले में है। इसी के साथ में जो झांसी की रानी की सहायिका थी, ठीक है, झलकारी बाई, ठीक है ना, झलकारी बाई जी की भी समाधि कहाँ पर है, ये भी ग्वालियर में, और यहाँ पर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जी की भी समाधि ग्वालियर में है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कवर हुआ। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, बहुटी जलप्रपात किस जिले में स्थित है। तो बहुटी जलप्रपात कहाँ पर है, ये है रीवा जिले में, ठीक है ना, ये बहुटी जलप्रपात कहाँ पर है, रीवा जिले में स्थित है। और ये किस नदी पर है, ये है ओड़ा नदी के ऊपर ये जलप्रपात बनता है रीवा में, ठीक है। इसी के साथ में अन्य ऑप्शन लेते हैं। अन्य ऑप्शन में क्या क्या है, पचमढ़ी में कौन कौन से जलप्रपात हैं। पर पचमढ़ी तो मध्य प्रदेश की पर्यटन नगरी है, और यहाँ पर पर्यटन के नाम के रूप में ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है, और यहाँ पर जलप्रपातों का तो भंडार है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कौन सा, अप्सरा जलप्रपात, टचेस फॉल और वी फॉल और रजत जलप्रपात, ये सब इनके मुख्य जलप्रपात हैं पचमढ़ी के, ठीक है। और जबलपुर में कौन सा जलप्रपात है, जबलपुर में है धुआंधार जलप्रपात कहाँ पर है, जबलपुर में है, ठीक है ना, कहाँ पर है ये, भेड़ाघाट में। इसी तरीके से खरगोन में कौन सा जलप्रपात है, खरगोन के महेश्वर में कौन सा जलप्रपात है, महेश्वर में है सहस्त्र जलधारा जलप्रपात, ठीक है ना, ये जलप्रपात है खरगोन में, महेश्वर जो तहसील है वहाँ पर, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन पूरा कवर हुआ अपना। अगला क्वेश्चन है 99वां क्वेश्चन, ये है सती प्रथा के साक्ष्य प्रदेश के किस जिले में प्राप्त हुए हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा सागर जिले में सती प्रथा के साक्ष्य प्राप्त हुए थे, और वो कहाँ पर, एरन, ठीक है ना, एरन में सती प्रथा के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, 100th क्वेश्चन है ये, कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षण किस जिले में स्थित है, ठीक है, कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षण केंद्र किस जिले में स्थित है। तो इसका उत्तर हो जाएगा रतोना, ठीक है ना, रतोना सागर में ये कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षण संस्थान, ठीक है ना, ये कहाँ पर स्थित है, रतोना सागर में स्थित है। आइए अगला ऑप्शन, इसी ऑप्शंस में जो क्वेश्चन बनते हैं वो ले लेते हैं। कीरतपुर होशंगाबाद में क्या स्थित है, कीरतपुर होशंगाबाद में मुर्रा भैंस प्रजनन जो क्षेत्र है, ठीक है ना, वो कहाँ पर है, वो है कीरत में, कहाँ पर, कौन सा, मुर्रा भैंस होती है किस्म की, एक प्रजाति की ये भैंस होती है, इसके प्रजनन का ये केंद्र है, जो कि कीरतपुर होशंगाबाद में। इसी तरीके से भदभदा में क्या है, भदभदा भोपाल में, यहाँ पर पशुवीर संग्रहालय है यहाँ पर, ठीक है ना, पशुवीर संग्रहालय यहीं पर स्थित है, ठीक है। तो दोस्तों ये क्वेश्चंस 100वां था जो मैंने कंप्लीट किया है। मेरा ये वीडियो जो स्टैटिक क्वेश्चंस पर था, आपको कैसा लगा, अगर पसंद आया है तो इसको लाइक करना ना भूलें, और अपने फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप में इसको सबसे ज़्यादा इसको शेयर करें। आप जितना शेयर करेंगे उतना ज़्यादा ये वीडियो देखा जाएगा, और मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। आने वाले जितने भी स्टैटिक जीके की जो सीरीज चल रही है, क्वेश्चंस के जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, वो आप लगातार देख पाएंगे। इसके लिए आपको बेल आइकन को क्लिक करना पड़ेगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो ये वीडियो समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।